सामने हूँ भाई साहब और नहा रहा हूँ। बहनों मैं नहा कर साबुन उबुन लगा कर पूरा एकदम वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत जगह वाटर पार्क है, जहाँ जाए वाटर। Hey guys, welcome to my new blog. गाइस आप लोगों को बता दूं अभी हम हैं बिहार का हुआ, ये चीज बन चुका है और चलते हैं अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। वो मंदिर नाथ मंदिर तो यहाँ भी चलेंगे, अंदर में भी नहा लेते हैं, नहाने के बाद अंदर चलेंगे नाथ मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से व्यू गंगा जी का। तो भाई जब हम आ चुके हैं गंगा जी के पास और देख सकते हैं यहाँ का व्यू, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट मेरे पीछे साइड देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से दूर दूर तक काफ़ी अभी यहाँ पे गहराई तो पता नहीं होता, दूर जाना भी नहीं हम लोग को, तैरने नहीं आता उतना खास, इसलिए एक जन को लेके आए हैं ताकि उसको हेल्प हो सके, मेरा तैरने आता हो उसको इसके लेके आए हैं ताकि दिक्कत ना हो यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं और देख सकते हो काफ़ी दूर तक फैला हुआ, बाकी पानी बहुत अभी कम है, पानी तो देखोगे तो आप यहाँ तक फैला, यहाँ तक आ जाता है पानी, बहुत ऊपर तक आ जाता है, जब बाढ़ उड़ जब आता है ना तो पानी बहुत ऊपर आ जाता है। अभी चलेंगे यहाँ पे नहाएंगे अभी और दिखाएंगे यहाँ पर पानी कैसा है और कैसा मज़ा आता है यहाँ पे नहाने में। चलिए चलेंगे नीचे भी, एक दोस्त का इंतजार कर रहे हैं वो आएगा, उस पर चलेंगे नीचे, वेट चलते हैं नीचे भी, बहुत ही मज़ा आएगा। गाइस हम तो हम आ गए अपने वाटर पार्क में, नेशनल वाटर पार्क में। आप लोग बता दें आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छा है वाटर पार्क जाना और नहीं जाना, क्योंकि हम कुछ दिन पहले बहुत सारे वाटर पार्क में बहुत सारे गंदगी पाए गए, जैसे कि बहुत से बच्चे वहाँ पे बाथरूम कर दिए थे और टॉयलेट का तो पता नहीं चलता है, वो तो थोड़ी बहुत गलत बात है, लेकिन बाथरूम किए तो बहुत जगह आपका वाटर पार्क दिखाएंगे आप दूसरी साइड में, तो इसके हम बता रहे हैं वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह वाटर पार्क में, इसलिए जहाँ जाएँ वाटर पार्क में वहाँ पता करें कि वहाँ पानी कितना साफ़ है, उसके बाद वहाँ पानी में जाएंगे, क्योंकि अगर पानी गंदा हुआ तो आपको फीवर होने का ज़्यादा चांसेस है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, गर्मी का टाइम है और भी ज़्यादा आपको सेफ रहना होगा इस चीज़ में। और देखते हैं जितना लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे वाटर पार्क में, वहाँ वो चेक नहीं करते हैं, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसलिए हम आ गए अपने नेचुरल वाटर पार्क में बिहार में बक्सर गंगा जी नहाने, चलिए चलते हैं आपको वहाँ दिखाएंगे कैसे नहाया जाता है, इसलिए हम लेके आ गए हैं साथ में, चलिए चलते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो देख सकते हो इस साइड आपका बिहार और उस साइड जैसे नदी के उस पार देख सकते हो इधर यूपी, तो पानी बहुत कम है, पानी कम होने देख सकते हैं वहाँ पे भी पानी वहाँ तक था, तो बहुत ही कम हो चुका है पानी गर्मी की वजह से। तो खैर हम लोग चलेंगे नहाने, पानी बहुत कम है तो यहाँ सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, गहरा बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं, इस चीज़ की वजह से किसी को लेकर ऐसा लोग को आए जो उसको तैरना आता हो, हम किसी लेक
किसी को लेके आ चुके हैं यहाँ पे, तैरना आता हो। चलेंगे नीचे भी, विद्यालय सिंह गया हुआ है, आप जाते हैं नीचे। और गाइस वाटर पार्क में जाने का मज़ा तो कुछ अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे हर कुछ आपको मिल जाता है एक ही जगह पे, जैसे वाटर वेव हुआ, स्लाइडर हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, और बहुत ही कुछ वहाँ मिल जाता है, मज़ा बहुत आता है वाटर पार्क में। वो तो अलग सीन है, लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे आपको अच्छा है वहाँ पे कुछ बुरा भी हो सकता है, बुरा भी होता है, कई चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। तो खैर कोई नहीं, इन्जॉय कीजिए आप लोग, गर्मी का मज़ा उठाइए, स्विमिंग पूल में जाइए, वाटर पार्क में जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मी का भी ध्यान रखिए, सेहत का अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अपना ध्यान दीजिए अपना आपने। और सब पक्षी उच्ची का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी है, बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं गर्मी की वजह से। तो हम लोग चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। देख सकते सब लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, एकदम इंजॉय कर रहे हैं गाइस। यहाँ एक फ़ायदा भी है गंगा जी नहाने का, गंगा जी का दर्शन भी हो जाता है और नहा भी लेते हैं, ये चीज़ यहाँ का बेनिफिट है और मज़ा ही बहुत है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं नहाने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान का, हम भी आ चुके हैं, देख सकते हैं लोग बहुत मस्ती इंजॉय कर रहे हैं आप। भाई एवं बहनों, मैं नहाकर साबुन उबुन लगाकर पूरा एकदम फिट हूँ। गाइस हम लोग अब नहा लिए हैं, काफ़ी मज़ा आया नहा के, गर्मी के बाद अभी थोड़ा रिलैक्स थोड़ा सा मिला, लेकिन तब कोई फायदा नहीं, धूप में फिर जाना पड़ रहा है घर फिर से वही हाल हो जाएगा। खैर आज का ब्लॉग यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ट्रिप के साथ। ज़्यादा से लोग शेयर करें वीडियो को। गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं तालाब के सामने हूँ भाई साहब, और नहा रहा हूँ।